पीपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका अध्ययन करके जाते हैं तो आपको कुछ न जरूर 5-10% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते ही आते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से, प्राचीन भारत का इतिहास। इस वीडियो में पूरे प्राचीन भारत का इतिहास का 38वीं बीपीएससी से लेके 66th बीपीएससी तक के क्वेश्चन और आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलोकैथिक युग भी कहा जाता है? इसे ताम्रपाषाण युग को कैलोकैथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैलोकैथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणीय संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का उपयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी हुई मकाने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ये बनावली से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये कालीबंगा से हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एसएस वत्स, बी ए स्मिथ, ये नहीं जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाघ जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये 9वां मंडल है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम तथा इसके पे नामांकित देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वैशेषिक सिद्धांत ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? जामली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म और ईसाई धर्म, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें सही आंसर आत्मदमन है। क्वेश्चन नंबर 26, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, ये पंचम पीढ़ी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। यहाँ पर आजीविकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, ये महावीर के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिम्बिसार और महापद्मनाभ। इसमें सही आंसर है उदयन। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा नगर बसाया था? उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह, गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 34, आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था?
इनके वंश का नाम हर्यक वंश था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी और डी आर भंडारकर। विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 39, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 41, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 43, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, इनका संबंध था महामेघवान वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो था कलिंग का चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राज शासक खेरवाल था। खेरवाल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र स्थान हाथी गुम्फा लेख है, यानी कि यहाँ पर आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त सम्राट अपने हूनों को पराजित किए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। इसमें यहाँ पर सही आंसर है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? अपहृत, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 48, हर्षवर्धन के काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसोंग। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगनी। क्वेश्चन नंबर 50, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। यहाँ पर ये बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 51, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। क्वेश्चन नंबर 52, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 53, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। क्वेश्चन नंबर 54, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ये महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित चार स्थानों का नीचे उल्लेख है, यह दो स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इनको आप सुमिलित कीजिए। तो इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने बोधगया में की थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका निधन कुशीनगर में हुआ था, यानी कि सही आंसर यहाँ पर सी है। क्वेश्चन नंबर 58, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 59, बोधगया में महाबोधि वृक्ष बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में। क्वेश्चन नंबर 61, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में थी। क्वेश्चन नंबर 62, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ये है उपलब्ध आपको अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 63, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? गुप्त। क्वेश्चन नंबर 64, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक कथन ए, दूसरा आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, कारण महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो बी, यहाँ पर ए और आर सही है, परंतु ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है यानी कि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था, ये ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 68, मगध का पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी कौन सी थी?
मगध की राजधानी जो थी, इसमें यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन जब 47th बीपीएससी में पूछा गया था उसमें ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर विकल्प पाटलिपुत्र और वैशाली दोनों सही है। लेकिन यहाँ मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, बाद में उदयन ने उसे पाटलिपुत्र बनाया और गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी जो थी यहाँ पर न पाटलिपुत्र थी, न वैशाली, न चंपा, न अंग। उपयुक्त में से कोई नहीं है। नंदवंश के उपयुक्त में से ये भी है, प्रथम जो है प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी, ये दो थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। 71 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। क्वेश्चन नंबर 73, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी? चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 76, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये मिलता है रुद्रदामन का जो अभिलेख है उससे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 78, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 79, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 82, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है वो भाबरू स्तंभ है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 84, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। 87 नंबर, मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी किसने लिखा है? ये लिखा है टेलियस पिल्पी टॉमली स्ट्रेबो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर ई है। व्याख्या है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 89, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 90, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 91, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? सी विमा फदफिसेसस। क्वेश्चन नंबर 92, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है कुशानों के समय में? क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 94, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कनवा, कंड ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ हाथी गुम्फा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 96, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की।
97 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच और कैम्बे। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत से के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था, और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भ्रुकुकच्छ भरोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे भी उत्तरी भारतीय व्यापार होता था, यानी कि इसका सही आंसर ई है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को उसका सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये था गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 99, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 100, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्तों की। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी से अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल की औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुसूत्र, सौमिलिका, शूद्रक और सेनन। इसका आंसर ई है। व्याख्या इस तरह से है, सुसूत्र को सल्प क्रिया का जनक कहा जाता था, वह काशी के रहने वाले थे। उन्होंने इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, और शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे, और सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भाव और कवि पुत्र के साथ याद किया था। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने कार्य नहीं किया, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही विकल्प ए माना था, यानी कि सुसूत्र को माना था, जो सुसूत्र के मान्य काल लगभग 600 से 1000 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष के बाद का है। इसलिए सुसूत्र को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन हम बीपीएससी के आंसर के साथ जाएंगे तो सुसूत्र होगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 104, वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। क्वेश्चन नंबर 105, कबीवान निवासी था पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 106, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, उपयुक्त में से कोई नहीं, 805, 635, 637। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहकर्मियों सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसके पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण में समुद्री मार्ग से भारत आया और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वहां चीन वापस लौट गया था। यानी कि यहां पर कोई भी आंसर सही नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, और स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान देने की प्रार्थना की? बलदेव पुत्र। क्वेश्चन नंबर 111, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। खुजराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। क्वेश्चन नंबर 113, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल और पांड्य। यहाँ पर कदम्ब का। 115, संगम युग में उरियेरू किसकी व्याख्या थी? ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 116, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? विशाख दत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। क्वेश्चन नंबर 119, कुमार संभव महाकवि किस कवि के लिए लिखा हुआ था? कालिदास। किरातार्जुन कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये कालिदास जी का लिखा हुआ है। किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? भट्टी, शूद्र, कालिदास और भारवी। ये भारवी का लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 121, उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ये है मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 122, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? वानभट्ट ने। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो था ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था।
क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। क्वेश्चन नंबर 126, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण के द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। तो ये थे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के इतिहास के क्वेश्चन का पार्ट वन। अब मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन इतिहास का मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा और इसी के साथ ही हम लोग तीसरा पार्ट भी करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद।